फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो काफ़ी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि क्यों ना हम एक ही सोशोलॉजिस्ट का क्लास ले लें। तो बेसिकली इस वीडियो में अगर आप एडवांस लेवल पे हैं सोशोलॉजी में तो वेल एंड गुड, आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप जस्ट अभी एंटर किए हैं सोशोलॉजी के फील्ड में, चाहे वो आप नेट की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए सोशोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आपके आंसर राइटिंग में। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो या सब्जेक्टिव कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव में ऑफ कोर्स ऑप्शन चूज़ करने में। तो इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा कि जो सोशोलॉजी की मेन की प्लेयर्स या की थिंकर्स या की सोशोलॉजिस्ट है उनके बारे में डिस्कस करूं। उनकी थ्योरीज़ का आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। मतलब मैं कोशिश करूँगी कि आपको एकदम आपकी भाषा में समझा सकूँ कि बेसिकली ये सोशोलॉजिस्ट अपनी बहुत टेक्निकल टर्म्स में क्या बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बुक्स पे मैं डिस्कस करूँगी। दूसरी चीज़, अगर आपको एक थिंकर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी मैं जल्दी ही ला रही हूँ और एक सीरीज़ आएगी। बट अभी के लिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, और मैं आपको सोशोलॉजी के मेन सोशोलॉजिस्ट की बुक्स, उनकी थ्योरीज प्लस उनका आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जब भी हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स के बिना शुरू नहीं होता। ऑल्दो सोशोलॉजी के फादर ऑगस्ट कॉम्ट हैं, बट कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो हम उन्हीं से शुरू कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स की अगर हम काम की बात करें, उनकी मेन किताबों की बात करें, तो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी सबसे ऊपर आती है। अब इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ये कैपिटल या इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अर्थव्यवस्था पे कार्ल मार्क्स का बहुत ध्यान था और इन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज की बात की थी। तो जब भी अर्थव्यवस्था को समाज के साथ जोड़ने की बात आए तो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स हमेशा ऊपर आते हैं। मैक्स वेबर धर्म को काफ़ी हद तक जोड़ते हैं अर्थव्यवस्था से, और कार्ल मार्क्स समाज को ज़्यादा जोड़ते हैं। तो इनकी थ्योरी जो थी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करें या इन्होंने क्लास स्ट्रगल पे फोकस किया था, और कैपिटलिज्म एंड हिस्टोरिकल चेंज की बात की थी। तो देखिए, हिस्टोरिकल चेंज की जब भी बात कहते हैं तो ये बोलते हैं कि हिस्ट्री जो है ना वो इकोनॉमी के बेस पे बनी हुई है, और हिस्ट्री में इकोनॉमी का बहुत रोल होता है। और जो भी अभी करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं एक न्यू सिचुएशन को जन्म देती है। तो अगर हम बात करें, जब पूंजीवाद या कैपिटलिज्म नहीं आया था तो तब समाज जो था वो काफ़ी हद तक फ्यूडल समाज था, जहाँ पे राजा अपनी ज़मीन दे दिया करता था और लोग ज़बरदस्ती लोगों से खेती में काम करवाते थे, उससे पैसा निकालते थे। इस तरीके का समाज था। उस समाज की जो कमियाँ थी उसने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत अमीर बना दिया और कुछ लोगों को गरीब, और इसीलिए पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का जन्म हुआ। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि कैपिटलिज्म भी एक अपने अंदर बीज लेके अपना डिस्ट्रक्शन का पैदा हुआ है, और धीरे धीरे जब कैपिटलिज्म का अंत होगा तो समाजवाद आएगा, जहाँ पे सब लोग एक तरीके से बराबर होंगे और स्टेट का रोल काफ़ी क्रूशियल हो जाएगा। क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि जो पूंजीवाद समाज है, कैपिटलिज्म है, वहाँ पे दो वर्ग रहता है। एक वर्ग जिसके पास सब पैसा है, कैपिटल है, वो अमीर है, और वो दूसरे वर्ग को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं मैक्स वेबर। इनके काम की बात करें तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी इनका एक बहुत ही अच्छा बुक है, और ये याद रखिएगा कि भले इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा काम कार्ल मार्क्स का है, पर किताब इन्होंने मैक्स वेबर ने लिखी है। पर इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये धर्म को समाज से जोड़ते हैं और पूंजीवाद से जोड़ते हैं। तो इनकी थ्योरी बेसिकली 4-5 थ्योरियों की हम बात करें तो एक तो रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में वो फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने काम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप अपना घर संभालने जा रहे हो, आपके घर में हर चीज़ इधर उधर फैला हुआ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसको संभाल पाएँ। पर आपने एक एक जगह सबको दे दिया, एक एक स्थान दे दिया, और आपने हर चीज़ को जगह असाइन कर दिया, यानी ऑर्गेनाइज कर दिया, तो जो आपका काम करने का तरीका है वो इफेक्टिव हो जाएगा। उसको रैशनलाइजेशन बोले। ब्यूरोक्रेसी में वो बेसिकली हमें बताते हैं कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मॉडर्न टाइम में हम ब्यूरोक्रेसी बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें एक ब्यूरोक्रेसी या किसी भी मतलब कॉरपोरेट की भी बात करें तो उसको चलाने के लिए क्या क्या की फीचर होने चाहिए। सोशल एक्शन में वो सिंपली बात करते हैं कि किस तरीके से समाज में लोग एक्शंस करते हैं और क्या रीज़न होता है हमारे हर स्टेप को लेने का, उसके पीछे क्या मोटिवेशन होता है। हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन हो सकता है, पैसा कमाना हो सकता है, कोई गोल को अचीव करना हो सकता है, किसी से हमने इंस्पिरेशन लेके वो अपना स्टेप लिया, उसकी बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में बात करते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, जो कि क्रिश्चियनिटी का एक भाग है, एक धर्म है, उसी से निकला हुआ, उनके अंदर उनके धर्म के अंदर एक पुश था, एक मोटिवेशन था जिसने उनको मदद किया कि वो कैपिटलिज्म को जन्म दे सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, पैसा कमाओ और फिर उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाओ, जो कि आजकल की सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको एमाइल डर्कहाइम देखें तो आप हमेशा यही सोचिएगा कि एमाइल डर्कहाइम सोसाइटी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट स्कूल से है। जब भी फंक्शनलिज्म की बात आती है तो फंक्शनलिस्ट लोग हमेशा सोसाइटी की जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी बात करते हैं। तो ये लोग क्या बात करते हैं, फंक्शनलिस्ट लोग, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों एक ही बात होती है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो फंक्शनलिस्ट लोगों का मानना ये है कि समाज में हम समाज की बहुत तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो साथ मिल के हमारी बॉडी को चलाते हैं, उसी तरीके से समाज में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो उसको मिलके चलाते हैं, ठीक है। एंड इन लोगों ने सोशल ऑर्डर के बारे में बात की, सॉलिडारिटी के बारे में बात की कि समाज में किस तरीके से यूनिटी, एकता जो बनी रहती है वही समाज को आगे बढ़ाती है। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की कि समाज में डिवीज़न ऑफ लेबर होता है तो स्पेशलाइजेशन, कम स्पेशलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की कि समाज में कामों का बंटवारा होने से समाज बेहतर चल पाती है। मेजर अगर इनके काम की बात करें तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोसाइट एंड एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ है और इनका काम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी में माना जाता है। डिटेल वीडियो एमाइल डर्कहाइम पे आपको सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे काफ़ी अच्छी मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं सारे थिंकर्स को